Assalamualaikum everyone welcome वेलकम टू gram where you यू लर्न इंग्लिश विद lessons. आप लोगों को मालूम है कि मैंने रिसेंटली जो है वो एक सीरीज स्टार्ट की जहाँ पर मैं आपको इंग्लिश वर्ड्स के जो synonyms हैं Uh, वो पढ़ाऊंगी, ठीक है अब ये उसका सेकेंड uh, पार्ट है uh, उस सीरीज़ का और मैंने सिनोनिम्स क्यों पढ़ाना शुरू किया, ये सीरीज़ क्यों स्टार्ट की मैंने लास्ट जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें भी एक्सप्लेन किया था कि वो इसलिए कि एक मैंने कॉमन मिस्टेक्स जो है वो कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स में देखी है वो देखी है कि वो सिनोनिम्स को एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल करते हैं Uh, इस चीज़ को समझे बगैर कि हर सिननम रिप्लेसेबल नहीं होता है बिकॉज़ एक वर्ड के अगर कुछ सिननम्स हैं भी तो ज़रूरी नहीं है कि उन सबका एग्जैक्ट सेम एक ही मतलब है और वो हर सेंटेंस में एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं नहीं क्योंकि सिननम्स के मीनिंग्स में चाहे वो एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं मगर उनके अक्सर मीनिंग्स में डिफरेंस होता है और एक वर्ड को दूसरा जो सिनोनिम है वो रिप्लेस नहीं कर सकता है हर वर्ड जो है या हर सिनोनिम जो है वो अपने एक स्पेसिफिक मीनिंग में जो है ना वो इस्तेमाल होगा ये एक कॉमन मिस्टेक है क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो गूगल से या किसी बुक से या किसी भी जगह से वो किसी एक वर्ड के सिनोनिम्स जो है वो सारे मेमोराइज कर लेते हैं और जब वो डिफरेंट जगहों पर लिख रहे होते हैं सेंटेंस क्योंकि मैंने ज़्यादातर रीड ही किया है स्टूडेंट जब कॉमेंट्स में लिखते हैं या इधर उधर लिखते हैं तो मैं उनको देखती हूँ तो पढ़ती हूँ तो वो क्या करते हैं उनको लगता है कि अच्छा इस वर्ड का मैंने सिनोनिम याद किया था ना तो इसका मैं आ, आ, आज मैं जो लिख रहा हूं ना तो मैं उस सिनोनिम को यूज कर लेता हूं। इस चीज़ को रियलाइज़ किए बगैर कि जो मैं सिनोनिम यहां पर रिप्लेस कर रहा हूँ इस वर्ड पे क्या वो इस सेंटेंस में फिट भी होता है कि नहीं क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली exactly, उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसको नहीं समझा होता है तो उन्होंने जस्ट सिनोनिम्स मेमोराइज कर लिए होते हैं और उन्हें लगता है कि बस ठीक है ये इस वर्ड के सिनोनिम इन सब का यही सेम मीनिंग है तो इसको जब भी मेरा दिल चाहेगा मैं रिप्लेस करता जाऊँगा नहीं वो उसके मीनिंग अक्सर इतने गलत यूज होते हैं कि उसका मीनिंग एंटायरली चेंज हो जाता है ठीक है तो इसलिए सिनोनिम्स के मीनिंग्स को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये सीरीज जो है वो स्टार्ट की है स्पेशली ये सीरीज उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कम्पटिटिव एग्जाम किसी भी कम्पटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी किस्म के एग्ज़ाम की, की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि uh, अगर आप एग्जाम में इस तरह का कोई मिस्टेक कर तो फिर बहुत मसला हो जाएगा वैसे स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा है राइटिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट वर्ड आप उसको रिप्लेस करते जाएंगे और एक वर्ड जो है एक सेंटेंस में फिट ही नहीं हो रहा क्योंकि उसका मीनिंग ही कुछ हो रहा है तो वहाँ पर फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है तो दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज़ और मेरा ख्याल है कि ये सीरीज़ आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगी क्योंकि आप एक तरह से आपका वोकेबलरी बैंक भी इंक्रीज हो रहा है दूसरा कि आपकी वोकेबलरी इंप्रूव हो रही है ऑब्वियसली दूसरा ये कि आपको ये पता लग रहा है कि अच्छा ये मैंने जो सिनोनिम्स इसके सारे मेमोराइज़ किए हैं याद किए हैं इसको मैं किस जगह पर यूज़ कर सकता हूँ और कहाँ मुझे इसको यूज़ नहीं करना है क्योंकि मैं आपको इतनी डिटेल में इसको उनके सारे मीनिंग समझा दूंगी कि आपको टेंशन ही नहीं होगी बाद में आप उसका करेक्ट यूज़ करेंगे ठीक है तो चलें जी आज स्टार्ट करते हैं और आज जो मैंने वर्ड सेलेक्ट किया है वो है एब्रोगेट मुझे मैंने लास्ट लेसन में पूछा था कि मुझे किस तरह से चलना चाहिए तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम आप अल्फाबेटिकली के चलेंगे कि पहले ए के वर्ड्स पढ़ा दें फिर बी के देखते हैं कितने हम इसको सीरीज़ करते हैं कैसे करते हैं ठीक है तो मैं कोशिश करती हूँ आज मैंने ए से एब्रोगेट जो वर्ड है इसको मैंने सेलेक्ट किया है इसके सारे हम सिनोनिम्स पढ़ेंगे सबसे पहले जो है वो मैं एब्रोगेट का मीनिंग पढ़ाऊंगी अच्छा लेसन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि काइंडली अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले थैंक यू वेरी मच इससे मेरा हौसला बढ़ता है मुझे एक सपोर्ट मिलती है आप लोगों से कि मैं मजीदी लेसन बनाऊँ सेकेंडली प्लीज़ आप मेरे लैसेंस को शेयर कीजिए ठीक है मुझे हेल्प कीजिए ग्रो करने में मुझे हेल्प कीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचने में जिन जिनको इन लेसेंस की जरूरत है जिनके लिए लेसेंस जो है वो बेनिफिशियल हो सकते हैं तो काइंडली आप अपने लेसेंस को प्लीज़ जरूर शेयर कीजिए ठीक है so सो लेट्स बिगिन अच्छा जी पहले हम एब्रोगेट को पढ़ते हैं कि इसका क्या मतलब अच्छा ये जो चूंकि एब्रोगेट वर्ब है ना तो इसके सारे सिनोनिम्स भी आपको ऑलमोस्ट सारे वर्ब्स वर्ब्स ही होंगे ठीक है एज ए वर्ब ही उसको यूज़ किया जाता है ठीक है अच्छा जी एब्रोगेट का मतलब होता है uh, किसी टू ऑफिशियली एंड ए लॉ एग्रीमेंट और ओल्ड कस्टम किसी कोई लॉ है कोई कानून बना हुआ है या कोई एग्रीमेंट हुआ है दो लोगों के बीच में दो कंपनीज के बीच में या दो मुल्कों के बीच में ठीक है या कोई ओल्ड कस्टम कोई पुरानी रवायत कोई ट्रेडिशन चलती आ रही है उसको एंड कर देना खत्म कर देने का मतलब होता है कि आपने उस लॉ को या उस एग्रीमेंट को या उस पुरानी ट्रेडिशन को एब्रोगेट किया है ठीक है जैसे कि इसका सेंटेंस है इट वाज आर ओपोनेंट्स हु एब्रोगेटेड पीस ट्रीटी फर्स्ट ठीक है अब दो ग्रुप्स हैं या दो मुल्क हैं उनके दरम्या में कहीं जंग थी जंग के बाद में या कोई झगड़ा चल रहा था उनके दरम्यान में एक पीस ट्रीटी हुई जिसको अमन माहिदा कहते हैं ना कि भाई पीस का माहा हो गया कि भाई आप लोग पीस कर लो अब वो कहते दोबारा से जंग छिड़ गई तो एक पार्टी कहती है कि वो कहती है कि इट वॉज़ आर ओपोनेंट्स हु एब्रोगेटेड पीस ट्रीटी कि जो वो पीस ट्रीटी हमारे दरम्यान में हुई थी ना वो अमन का जो माह हुआ था ये जो हमारे मुखालफी हैं न ये जो हमारे ओपोनेंट्स हैं ठीक है ये जो मतलब के जो दूसरी पार्टी है इसने एब्रोगेट किया है मतलब इसने वो पीस ट्रिटी जो है ना उसको खत्म किया है क्योंकि अमन माहिदा हुआ हुआ था तो हम तो अमन में थे एक दूसरे के साथ हम तो जंग नहीं कर रहे थे तो दोबारा से जंग शुरू हुई तो वो ये कह रहे हैं कि दूसरी वाली पार्टी ने जो हमारे ओपोनेंट्स हैं उन्होंने इसको एब्रोगेट किया मतलब कि इस पीस ट्रिटी को यह अमन माहे को इन्होंने खत्म किया है और इन्होंने लड़ाई स्टार्ट की है ठीक है उन्होंने कोई ऐसी हरकत की कोई ऐसा हो सकता है अमन में कोई ऐसी शिक्ति या कोई भी ऐसी बात थी कि जिसको उन्होंने जो है वो वॉयलेट कर दिया तो उन्होंने अब जो ना एब्रोगेट किया है उस पी स्ट्रिटी को जिसकी वजह से दोबारा से लड़ाई या दोबारा से जंग जो है वो स्टार्ट हो गई है ठीक है अब एब्रोगेट को आप समझ लें कि, कि किसी लॉ को किसी एग्रीमेंट को या किसी ओल्ड कस्टम को पुरानी कोई रवायत चलती आ रही है ठीक है उसके अब जैसे कि पुरानी रवायत में आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल ऐसे जैसे पुराने ज़मानों में चाइल्ड मैरिज जो बच्चों की शादियाँ हैं वो बहुत कॉमन थी अब आप देखें कि ये ऑलमोस्ट एब्रो एब्रोगेट हो, हो चुकी हो चुकी है बहुत से लोग इसको एंड कर चुके हैं लोग इसको अब प्रैक्टिस नहीं करते हाँ रूरल एरियाज़ में कहीं दूर दराज में अभी भी होती लेकिन अब काफ़ी हद तक ये ये जो एक प्रैक्टिस थी ये अब एब्रोगेट हो चुकी हुई है मतलब कि ये एंड हो चुकी हुई है ख़त्म हो चुकी हुई है बहुत हद तक बहुत दूर दराज के इलाकों में शायद जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर शायद अभी भी प्रैक्टिस होती है बट इन मोस्ट एरियाज जो है ना दुनिया इसको एब्रोगेट कर चुकी हुई है ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट इसका जो सिनोनिम है वो है अबोलिश अब अबोलिश भी जो है वो वर्ब है और इसका भी वही मतलब है कि टू ऑफिशियली एंड अ लॉ सिस्टम और प्रैक्टिस कोई सिस्टम है कोई उसको उसको ऑफिशियली आप उस सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं एंड कर, कर देते हैं किसी कानून को एंड कर देते हैं किसी प्रैक्टिस को एंड कर देते हैं तो आपने उसको अबोलिश किया अब यहाँ पर आपने एक छोटी सी बात और समझनी है वो ये है कि अबोलिश का मतलब सिर्फ किसी लॉ को किसी सिस्टम को किसी प्रैक्टिस को किसी पुरानी ट्रेडिशन uh, को एंड कर देना अबोलिश करना नहीं होता है uh, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना भी अबॉलिश होता है ठीक है जैसे कि आपने अगर ये कहना है कि किसी जगह पर कोई बिल्डिंग्स जो है वो तबाह हो गई है जिलजिले की वजह से तो आप कहेंगे अर्थक्विक अबोलिश दीज बिल्डिंग्स ठीक है कि अर्थक्विक ने इन इन जो ये जो सारी बिल्डिंग्स है इनको अबोलिश किया है देखिए एक किस्म का वो अब वहां पे भी एंड का ही मीनिंग में है कि वो वहां पर बिल्डिंग्स खड़ी थी अब वो अर्थ क्विक आया वहाँ पर जल्जला आया तो वो बिल्डिंग्स जो है वो ख़त्म हो गई हैं वो तबाह हो गई हैं लेकिन वो जो डिस्ट्रक्शन है ना एक डिस्ट्रॉय कर देना डिस्ट्रॉय के मीनिंग में भी बोलिश यूज़ होगा किसी चीज़ क्योंकि डिस्ट्रॉय भी एक चीज़ को एंड ही कर देती है इसलिए ये एब्रोगेट का सिनम है और ज़ाहिर उसके एग्जैक्ट मीनिंग में भी सिनोनम है कि जब किसी लॉ को ख़त्म कर देना भी अबॉलिश करना कहलाता है ठीक है लेकिन किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना जैसे कोई बिल्डिंग हो जैसे कि अगर आपने ये कहना हो कि ये सारा एरिया जो है वो वॉर में तबाह हो गया डिस्ट्रॉय हो गया तो वो भी कह सकते हैं कि दिस होल एरिया वाज अबोलिश ड्यू टू वॉर ठीक है या इन वॉर कि जंग के अंदर जो है ये तमाम एरिया जो है वो तबाह हो गया ठीक है अबोलिश हो गया

ये डिमांड करें उसकी वजह से इस फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की वजह से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है तो ये अब एक आ, मतलब एक लॉ बनाया ना कानून बनाया गवर्नमेंट ने कि भी हर घर में जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है ना बिजली में ऐड करके आएंगे

आ जो कोर्ट है वो ये डिक्लेयर कर दे कि ये चीज इनवैलिड है ये चीज़ कानून के मुताबिक ही नहीं हुई है इसको समझ लीजिए ठीक है थीके? जैसे कि और ये अनल ज्यादातर वर्ड जो यूज होता है ना ये मैरिज के लिए यूज होता है या इलेक्शंस के लिए यूज होता है किसी एग्रीमेंट के लिए भी हो सकता है जैसे कि आप ये सोचे कहीं पर किसी जगह पे इलेक्शंस हुए अब वहां पर जो है ना बहुत ज्यादा इस चीज़ का मतलब एलिगेशन लग जाते हैं कि भाई यहाँ पर रिगिंग हुई है बहुत ज्यादा ये येक्शन फ्री एंड फेयर नहीं थे ठीक है ये फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा रिगिंग हुई है मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा धांधली हुई है ठीक है अब वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाकर वो चीज प्रूव हो जाती है कि वाकई में इलेक्शन में जो है ना वो बहुत ज्यादा रिगिंग हुई तो अब क्या कहेगी कोर्ट कोर्ट ये कहेगी कि ये मैं अनल कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस इलेक्शन के रिजल्ट को मतलब अब इसको ये जो पहले इलेक्शन हुए हैं ये इनवेल हो गए या खत्म हो गए अब दोबारा से इलेक्शंस करवाए तो कोर्ट ने अनल कर दी है अब इसी तरह से कोई मैरिज हो सकती है मैरिज कैसे अनल होती है मैरिज जैसे आ, इसमें आप एग्जांपल ले लें कोई माइनर लड़की है ठीक है अभी वो बालिग नहीं हुई है किसी माइनर लड़की की, कि, आ, की शादी हो जाती है किसी इंसान के साथ अब वो जो लड़की के पेरेंट्स हैं या जो भी उसके फैमिली मेंबर्स हैं वो कोर्ट में जाके जो है ना वो उस चीज़ को आ, मतलब वो करते हैं कि भई नहीं ये जो है वो चैलेंज करते हैं उस मैरिज को वो कहते हैं कि ये मैरिज जो है ना ये ठीक नहीं है तो कोर्ट जब देखती कि अच्छा अभी बच्ची तो माइनर है लड़की तो माइनर है और चूंकि कानून में है कि माइनर लड़की की शादी नहीं हो सकती है उसकी शादी टेक प्लेस ही नहीं कर सकती है तो कोर्ट या कहेगी कि उसकी जो मैरिज है उसको अनल कर देगी मतलब उसको इनवैलिड कर देगी ठीक है वो कहेगी कि ये जो खत्म कर देगी कि ये ये है ही नहीं एक शादी आप अनल को याद रख लीजिएगा कि अनल वहाँ वहां पर करती है कोर्ट किसी चीज को कि जो चीज जो, जो काम हुआ है वो कानून के मुताबिक नहीं हुआ है ठीक है जैसे हमारे केस में आप देखें जो इसकी एग्जाम्पल है जैसे हमारे जो वो जो स्पीकर थे डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी उन्होंने जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले जो उन्होंने रूलिंग दी थी तो उस रूलिंग को बाद में जब ये चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने अनल किया उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि ये कानून के मुताबिक नहीं हुई है ठीक है कोई चीज़ अगर कानून के मुताबिक नहीं हुआ है और उसको कोर्ट में जाकर ख़त्म किया जाता है उसको इनवैलिड खत्म करने की मीनिंग में आ रहा है ना ये भी जैसे हमने पीछे एब्रोगेट या अबॉलिश पढ़ा है खत्म कर देना किसी चीज़ को ख़त्म कर देना किसी लॉ को ख़त्म कर देना इसी तरह से अनल भी है कि खत्म कर देना कोई चीज़ जो कि पहले ही जिसमें कानून के मुताबिक काम नहीं हुआ है और कोर्ट में जाकर फिर कोर्ट उसको अनल कर देती है उसको खत्म कर देती है कि ये चीज़ है ही नहीं है क्योंकि ये वैलिड ही नहीं है ठीक है अब इसमें अब किसी मैरिज हम ये तो नहीं कह सकते कि कोर्ट एब्रोगेटेड देयर मैरिज ठीक है जैसे अभी मैंने यह सेंटेंस लिखा हुआ है द कोर्ट अनल मैरिज लास्ट वीक ठीक है कोर्ट मैरिज को अनल करेगी अब यहाँ पे एब्रोगेट नहीं या अबोलिश नहीं आएगा वर्ड ये आप कोई किसने अगर ऐसे ही मेमोराइज कर लिए हैं सिनोनिम तो वो बच्चा क्या करेगा वो कहीं पे लिखना चाहेगा तो वो कह देगा द कोर्ट एब्रोगेटेड देयर मैरिज मतलब कोर्ट उन, ने उनकी मैरिज जो है ना वो ख़त्म कर दी एब्रोगेट यहाँ पे सूटेबल ही नहीं है बॉलिश देर मैरिज उनकी शादी जो है वो तबाह कर दी ठीक है तो एब्रोगेट ये बोलिश अब यहां पर नहीं है इवन की अनल जो है वो एब्रोगेट का जो सिनोनिम है बट अनल का एग्जैक्ट मीनिंग आप समझ लीजिए कि कोई चीज जो पहले से ही कानून के मुताबिक नहीं हुई है और जब उसको कोर्ट में जाकर चैलेंज किया जाए और ये नॉर्मली ये, ये यूज होता है किसी मैरिज के लिए किसी इलेक्शन के लिए किसी एग्रीमेंट के लिए तो कोर्ट फिर उसको अनल कर देती है कि ये कानून के मुताबिक नहीं हुई है तो ये चीज जो है वो इनवैलिड है ही नहीं है ठीक है अब आपको समझ आई इसी तरह से

ठीक है ख़त्म कर दिया उस डिसीजन उस को या इस एग्रीमेंट को अब ये वैलिड नहीं है लेकिन अनल और नलीफाई में आप डिफरेंस समझ लीजिए अनल में मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ जो पहले ही कानून के मुताबिक नहीं हुई है कोर्ट उसको अनल करती है लेकिन नलीफाई उसको किया जाता है जो पहले कानून के मुताबिक ही हुई हुई है कोई चीज़ कोई एग्रीमेंट हुआ है कोई डिसीजन हुआ है कुछ भी हुआ है लेकिन कोर्ट बाद में जाकर किसी भी वजह से कुछ क्योंकि सिचुएशन चेंज होती रहती हैं वो पहले से एक जो कानून बना है या कोई फैसला जो है वो कानून मुताबिक ही लिया हुआ है लेकिन किसी और रीजन की वजह से उस 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 डिसीज़न को को या एग्रीमेंट कोर्ट खत्म कर देती है ठीक है तो उसको फिर नलीफाई करती है कोर्ट वो अनल नहीं होगा वो नलीफाई होगा जैसे एग्जाम्पल देख ले लें कंट्रीज के अंदर पहले क्या था कि डेथ पेनल्टीज थी अभी भी हैं कुछ मुल्कों के अंदर ठीक है अब किसी कंट्री के अंदर डेथ पेनल्टी है फॉर एग्जांपल मर्डर के केस में या रेप के केस में डेथ पेनल्टी है कि इसको सजाए मौत मिलेगी लेकिन बाद में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि आ, मतलब गवर्नमेंट या या कोर्ट ये डिसाइड करते हैं या लॉ को चेंज किया जाता है कि नहीं भी डेथ पेनल्टी अब नहीं मिलेगी सजाए मौत नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है कि डेथ पेनल्टी को नलीफाई किया गया है मतलब पहले भी वो कानून के मुताबिक ही था वो कानून ही था लेकिन अब उसको किसी भी वजह से उसको नलीफाई कर अब या इस केस में मतलब के रेप के केस में या मर्डर के केस में डेथ पेनल्टी दी भी लेगी डेथ पेनल्टी को नलीफाई कर दिया गया ठीक है जैसे इसका सेंटेंस है योर मैरिज विल नलीफाई योर क्लेम ओवर दिस प्रॉपर्टी इसको समझ लीजिए ठीक है ये सेंटेंस मैंने ऐसे क्यों बनाया है समटाइम्स होता है ना कि किसी खातून का अगर कोई हस्बैंड फोर्थ हो जाए कहीं कि किसी जगह पर किसी कोई ऐसी आ, मतलब प्रोविजन हो सकती कहीं पे कि कोई हस्बैंड उसका फोर्थ हो जाए और उसकी उसके जो जो उसका लेट हस्बैंड है उसकी कोई प्रॉपर्टी है अब उस खातून को ये कहा जा सकता है कि कोई किसी भी वजह से कोई लीगल बीच में हो सकता है उसकी इनहेरिटेंस में या किस किसी भी वजह से वहाँ पर कुछ ऐसा प्रोविजन हो कोई ऐसी बात हो कोई ऐसी शिक जिसको कहते हैं वो हो कि जो ये कहती हो कि अगर ये ख़ातून आगे मैरिज करेगी दूसरी शादी करेगी तो वो अपने एक्स हस्बैंड के एक्सनी लेट हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उसको वो क्लेम नहीं कर सकती अब ठीक है तो वो क्या कर रही है वो नलीफाई देखो वो जो ये खातून है वो अपने हस्बैंड को अगर उसकी प्रॉपर्टी में अगर वो क्लेम करती है ये उसका राइट है ये कानूनी राइट है लेकिन अगर कहीं पर ये प्रोविजन है ये कहीं पर ये शिक है कि अगर खातून नेक्स्ट शादी करती है तो वो अपने हस्बैंड एक्स जो उसके लेट है उसकी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर तो इसका मतलब है कि उसका क्लेम नलीफाई हो जाएगा ठीक है इसी को इसी तरह से समझ लें कि जैसे दो लोग हैं वो कोई एग्रीमेंट करते हैं कहीं पर भी आ, अपनी कोई बिजनेस वगैरह करते हैं थीके? वो पार्टनरशिप करते हैं ठीक है वो पार्टनरशिप का उनको एग्रीमेंट होता है वहां पर अगर वो कोई ऐसे बीच में एक आ, शिक रख दें कि अगर एक जो पार्टनर है वो आ, दो या तीन महीने या इतनी देर के लिए अगर वो एक्टिवली इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होता है मतलब वो हिस्सा नहीं करता है वो काम नहीं करता है एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है तो उसका शेयर नलीफाई हो जाएगा इसके अंदर अगर ये लिख दिया जाता है तो यहाँ पे नलीफाई होगा यहाँ अनल नहीं होगा क्योंकि उसका जो शेयर है ऑब्वियसली वो लीगल राइट है उसका क्योंकि उसने पार्टनरशिप की है वो एग्रीमेंट हुआ है लेकिन अगर ऐसी शिक रख दी जाए तो, तो फिर नलीफाई हो जाएगा ठीक है तो कोई पहले से लीगल चीज है उसको ख़त्म कर देना बाद में वो नलीफाई होता है जैसे मैंने डेथ पेनल्टी की आपको एग्जांपल दी है कि डेथ पेनल्टी बहुत से जगहों बहुत से मुल्कों में एक लीगल चीज़ है वो एक लीगल सज़ा है कानून के मुताबिक है लेकिन अगर उसको बाद में चेंज कर दिया जाए उसको ख़त्म कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि उसको नलीफाई किया गया है ठीक है अनल अनलो नलीफाई आई होप कि आपको मतलब समझ में आ गया अच्छा जी नेक्स्ट है रिपील रिपील भी वर्ब है ओबियसली और टू मेक अ लॉ नो लॉगर अ लॉ अब ये नलीफाई और रिपील जो है ना ये अब मीनिंग सेम है ठीक है कि पहले से एक लॉ था बाद में उस लॉ को खत्म कर, तो कर ज्यादातर uh, ना कोर्ट के डिसीजन के लिए वर्ड यूज होता है रिपील जो गवर्नमेंट करती है ना रिपील ज्यादातर वहां पर यूज होता है ठीक है इसका डिफरेंस सिर्फ इतना सही है मीनिंग में सेम ही है से कोर्ट किसी लीगल डिसीजन को खत्म कर दे किसी भी ठीक है और यहाँ पर रिपील जो है गवर्नमेंट किसी लॉ को किसी लीगल चीज़ को जो है वो ख़त्म कर दे बाद में एक लॉ बनाया है गवर्नमेंट ने बाद में हो सकता है लोगों ने प्रोटेस्ट किया उस लॉ में कुछ गड़बड़ चीजें थी तो मतलब उसको जाकर जो है ना बाद में गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि नहीं हम इस कानून को या इस एक्ट को या जो भी हमने ये बिल जो है जैसे होता है ना कि पार्लियामेंट बिल जो पेश होते हैं ठीक है वो बिल जो पास किया बाद में उसको वो ख़त्म कर देती है कि नहीं ये कैंसिल है तो रिपील कर रही है गवर्नमेंट ठीक है वहां पर ठीक है चलें जी नेक्स्ट है जी रिवोक रिवोक का मतलब होता है टू ऑफिशियली कैंसल अ लाइसेंस लॉ और एग्रीमेंट ठीक है वापस ले लेना रिवोक का मतलब होता है वापस ले लेना ठीक है अब ये रिवोक ज्यादातर वर्ड यूज होता है लाइसेंस। आप ना मुख्तलिफ जगहों पर आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है ना वो लाइसेंस इशू करती है काम वगैरह करने के लिए लोगों को फलां चीज का लाइसेंस है फला चीज का लाइसेंस है यहाँ पर आपको जैसे बिल्डर्स वगैरह को भी लाइसेंस इशूज होते हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से ठीक है पे यहाँ पर आ, मतलब बिल्डिंग वगैरह मॉल्स वगैरह बनाने के या इस तरह के जो लाइसेंसेस वगैरह होते हैं अगर किसी भी वजह से गवर्नमेंट वो लाइसेंस कैंसिल कर देती है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट उस लाइसेंस को रिवोक कर रही है ठीक है अच्छा ज्यादातर रिवोक जो वर्ड है ना वो किसी लाइसेंस के को वापस जो गवर्नमेंट वापस ले लेती है ना और खत्म कर देती है ठीक है तो उसके लिए यूज होता है कि कि किसी कोई बिल्डर कह सकता है है मेरा लाइसेंस गवर्नमेंट ने जो है ना वो रिवोक कर दिया मतलब कि कैंसिल कर दिया है खत्म कर दिया है या वापस ले लिया है मेरा लाइसेंस ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट है एक्सटर्मिनेट अब एक्सटर्मिनेट जो है ना ये वर्ड इसका मतलब है टू किल ऑल एनिमल्स और पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप अब इसका जो मीनिंग है ना ये एग्जैक्टली exactly, मतलब इंटायरली डिफरेंट है जो पीछे हमने पढ़े हैं ठीक है थीके? लेकिन ये उसका

जहन में इंसेक्ट्स वगैरह को जब आप खत्म कर देते हैं ना जो जिनको आप ये कीड़े मकोड़े हषरात वगैरह जो होते हैं तो उसके लिए एक्सटर्मिनेटिव वर्ड यूज होता है जैसे कि किसी बिल्डिंग में अगर बहुत सारे कॉकरोचेज जा आ जाए तो वो फिर उसको देखा ना वो बुलाया जाता है टीम्स वगैरह को कि वो उनके स्प्रे वगैरह करते हैं या उनकी वो उनको मारने वाली दवाइयाँ वगैरह फेंकी जाती हैं ताकि उनको एक्सटर्मिनेट किया जा सके उनको खत्म किया जा सके उस बिल्डिंग के अंदर से या किसी बिल्डिंग में किसी इलाके में बहुत सारे चूहे आ जाए रेट्स आ जाए तो उनके लिए फिर वो मेडिसिन वगैरह जो वो फेंकी जाती हैं पूरी टीम एक काम करती है ताकि उस इलाके से जो रेट्स हैं जो चूहे हैं उनको एक्सटर्मिनेट किया जा सके ठीक है इसी तरह से किसी खास जगह पे किसी खास इलाके में या किसी खास नस्ल से या किसी खास रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले लोगों को अगर मार दिया जाए ख़त्म करने की कोशिश की जाए कि इनको कम्प्लीटली इसको ना कि सफ़ाई हस्ती से मिटा देना ठीक है तो उसको भी एक्सटर्मिनेट कह सकते हैं और हिस्ट्री में हमें उसकी जो एग्ज़ाम्पल मिलती है वो जूस के साथ जो हिटलर ने किया था ठीक है हिटलर ने जूस को एक्सटर्मिनेट करने की कोशिश की थी कि उनको कम्पलीटली वो चाहता था कि मैं इनको ख़त्म कर दूँ ठीक है तो एक्सटर्मिनेट आप याद रखिएगा कि ये एनिमल्स के लिए इंसेक्ट्स के लिए या लोगों के लिए जो है ना ये वर्ड यूज़ होता है जब उनको कम्प्लीटली ख़त्म कर देने की कि किसी इलाके के अंदर से किसी जगह से कम्प्लीटली खत्म करने की कोशिश की ठीक है? है, जैसे कि इसका सेंटेंस अथॉरिटीज आर द होल एरिया टू एक्सटर्मिनेट दोसूटर्स ठीक है कि मच्छरों को खत्म करने के लिए पूरे एरिया को, को स्प्रे वगैरह किया जा रहा है ताकि यहाँ इस पूरे एरिया से जो मच्छर है वो खत्म हो जाए ठीक है

प्राइस हाई ऑफ फर्टिलाइजर्स ठीक है कि जो जो किसान है वो ये डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया कि फर्टिलाइजर्स की जो भी खादे हैं उनकी प्राइसेस बढ़ा दी ठीक है ठीके? तो जो प्राइस हाई है उसको रिसिंड करने के लिए जो है ना वो फार्मर्स जो है वो डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से मतलब कि ये एक जो लॉ बनाया ये पॉलिसी बनाई कोई कोई भी इस तरह के बनाया ठीक है वो चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको वापस ले लें ठीक है इस चीज़ को वापस ले ले तो रिफील और रिसेंट जो है ना ये एक दूसरे को एक मतलब के आप रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट जैसे है जैसे क्वैश क्वैश का मतलब होता है आप इसको याद इसको समझ लीजिए टू ऑफिशियली रिजेक्टेड डिसीजन और जजमेंट क्वैश हमेशा यूज़ होता है इसका मतलब भी ख़त्म कर देना होता है किसी डिसीजन को किसी जजमेंट को लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि एक कोर्ट को डिसीजन देती है ये जजमेंट देती है और उसके उसके अगेंस्ट जब अपील दायर की जाती है तो जो अपील कोर्ट होती है अगर वो जो निचली अदालत ने जो जजमेंट दी हुई है जो फैसला दिया हुआ है उसको ख़त्म कर दे है कि नहीं वो वो वाला फैसला ठीक नहीं है तो उसको ख्वाश कहते हैं करना और ये इसी ही मीनिंग में यूज़ होता है इसको आप किसी और जगह पे यूज़ नहीं कर सकते ख्वाश का यही मतलब है इस सेंस में ठीक है कि वो हमेशा अपील कोर्ट के लिए यूज़ होता है कि जब कोर्ट में जाकर अपील की जाती है और जो भी निचली अदालत ने जो फैसला दिया हुआ होता है जो अपील कोर्ट है वो उस फैसले को जब ख़त्म कर देती है तो उसको ख्वाश करती है ठीक है अच्छा जैसे कि इसका सेंटेंस है द अपील कोर्ट क्वैश द पॉलिटिशन डिसक्वालीफिकेशन कोई पॉलिटिशियन है बहुत से लोग इसको समझ पा रहे होंगे हमारे मुल्क में कौन है ठीक है उन उनको डिसक्वालीफाई किया गया था तो अगर अपील दायर की जाए और अपील कोर्ट जो है वो उनकी डिसक्वालीफिकेशन जो है वो उनकी जो नाअहली है उसको ख़त्म कर दे तो इसका मतलब है कि कोर्ट ने अपील कोर्ट ने ख्वाइश किया है उस डिसकीन को ठीक है अच्छा जी आग जो लास्ट इसका है वो है repudiate repudiate भी वर्ब है obviously और इसका मतलब टू रिजेक्ट और तो डिनाई अब repudiate obviously इसका सिनोनिम बन जाता है एब्रोगेट का पर मीनिंग में इंटायरली डिफरेंट है एब्रोगेट से या बॉलिश से ये वर्ड repudiate का मतलब होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना किसी चीज़ से इनकार कर देना डिनाई कर देना उसको कबूल करने से इनकार कर देना ठीक है जैसे uh, आप आप, आप, आप किसी फैसले को कहते हैं कि मैं रिप्यूडिएट करता हूँ मतलब मैं इस फैसले को नहीं मानता ठीक है या कोई ट्रेडिशन है कोई कस्टम है कोई रवायत है आप आप कहते हैं मैं नहीं मानता इसको आप कहेंगे आई रिप्यूडिएट दिस डिसीजन और दिस दिस ट्रेडिशन और दिस कस्टम ठीक है जो भी है आप कहते हैं कि मैं नहीं मानता इसी तरह से कुछ लोग हैं ना जो कि रिलीजन को इनकार करते हैं ठीक है मज़हब से इनकार करते हैं तो वो रिप्यूडिएट करते हैं रिलीजन से ठीक है वो इनकार करते हैं वो डिनाई करते हैं वो रिजेक्ट करते हैं वो उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है ठीक है तो कोई चीज़ जो आपको लगता है कि ठीक नहीं है वो कोई फैसला हो सकता है किसी की बात हो सकती है या आपके ऊपर कोई एलिगेशन हो सकता है कोई क्लेम हो सकता है उसको रिजेक्ट कर देना उससे इनकार कर देना डिनये कर देना उसको रिफ्यूडिएट कहते हैं आप देखिए एब्रोगेट का सिनोनिम तो है लेकिन एब्रोगेट्स इसका मतलब इंटायरली डिफरेंट है तो आप इसको एब्रोगेट या बॉलिश के साथ या रिफील के साथ या अनल के साथ इसको कहीं पे भी अब, मतलब उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं ठीक है उसकी जगह पे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ठीक है इसका सेंटेंस देख लें जैसे द एक्ट्रेस रिफ्यूडिएटेड ऑल द एलिगेशंस अगेंस्ट हर कि जो भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे किसी एक्ट्रेस के ऊपर तो उसने रिपीडिएट कर दिया उसने डिनाई कर दिया उसने इनकार कर दिया उसने कहा कि ये सारे इल्ज़ाम मेरे अगेंस्ट जो है ये सारे गलत हैं ठीक है ठीके? तो रिपीडिएट का मतलब होता है डिनाई कर देना इनकार कर देना किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना ठीक है ओके okay, जी फ्रेंड्स यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है आई होप कि ये लेसन आपके लिए अच्छा था अच्छा लगा तो मुझे कॉमर्स में बताया मतलब। आपको लगा कैसा है एग्जैक्टली exactly. कैसा लगा है आप को, मतलब आपके क्या इसके बारे में व्यूज़ हैं डू लेट मी नो इन कॉमर्स आई सी यू नेक्स्ट लेसन नक्सल्ला हाफि